नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ, जो आप देख पा रहे हैं यह है आपका वर्ड प्रोसेसर, जहाँ पर हम लोग आज होम मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के बारे में बात करेंगे कि इसमें आपका क्या क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बिना किसी देर करके कि देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। पहला जो आप देख पा रहे हैं यह है वर्ड, और ये वर्ड 2007 है, जहाँ पर कि हम लोग आप जो देख रहे हैं यहाँ पर होम टैब है। होम टैब के अंदर देखिएगा कि ये फाइल जो मेन्यू है ये आपका होम टैब के अंदर में आता है, ठीक है। यहाँ जो आपका देखिएगा, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आपका क्लिप फॉन्ट है, फिर आपका पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग है, यहाँ पर आप सारे चीज़ एडिट कर सकते हैं। तो होम टैब में बहुत सारे कुछ है, आपका ये जो ग्रुप है 6 ग्रुप जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर कि आपका ये आपका फॉन्ट का यहाँ पर सेक्शन है जहाँ पर फॉन्ट है। इसके बाद आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ में जैसे आपका कैसे स्पेसिंग होगा या फिर नहीं होगा, जैसे आपका दिख रहे हैं ये जो पैराग्राफ है, स्टाइल आपका कौन सा स्टाइल में होना चाहिए, आप स्टाइल है वो क्या आपका। इसके बाद आपका जो ये आपका एडिटिंग हो गया, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं आप। ये आपका क्लिपबोर्ड हो गया, जहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, या फिर कोई भी अगर आपका जो ये ग्रुप नेम लिखा हुआ है इसको कॉपी करके कट करना है, या फिर कॉपी करके आपको दूसरी जगह पेस्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें ये रिबन में आती है। इसे फुल्ली ये जो होम बटन है, होम बटन का ये जो रिबन है, इसके अंदर में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये फॉन्ट में आपका, जैसे आपका कौन सा टाइप में आप लिखेंगे तो उसकी फॉन्ट की ये टाइप है, उसकी कितने साइज़ होगी, ये आपका आपका अपर केस या फिर लोअर केस में होता है, ये चीज़ जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सा है। इसके बाद कलर क्या होगी टेक्स्ट की, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद पैराग्राफ का अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट होगा, मिडिल, सेंटर होगा, या फिर राइट अलाइनमेंट होगा, या फिर जस्टिफाई होगा, या फिर इक्वली अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और साथ में यहाँ पर ये होम बटन के अंदर यहाँ पर आती है। होम बटन में आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपका होम बटन है, जहाँ पर होम के अंदर में आपका आती है, जैसे आप कट पेस्ट कर सकते हैं, कट पेस्ट का शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, कट का शॉर्टकट की है Ctrl+X, ये आपका शॉर्टकट की है सिलेक्ट करने के बाद। कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C, ये आपका शॉर्टकट की हो गया। पेस्ट का क्या है, Ctrl+V, ये इसका शॉर्टकट हो गया। प्रिंटर का फॉर्मेट है आपका, प्रिंटर के लिए क्या हो गया आपका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C अगर प्रेस करेंगे तब भी आपका फॉर्मेट प्रिंटर आएगा, और अगर शिफ्ट अगर Ctrl+Shift+V अगर प्रेस करेंगे तब भी आपका आपको आएगा यहाँ पर फॉर्मेट प्रिंटर के लिए। तो अब आगे यहाँ पर देखेंगे कि और क्या है इसमें यूज़ होता है। स्पेशल केस में आपका देखिएगा यहाँ पर आप और क्या देख सकते हैं इसके अंदर, जो ये नीचे वाला जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप देखिएगा कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं, जैसे साथ में आप उसको फॉर्मेट को आप स्पेशल कोई भी आप वहाँ पर ग्रुप में आप दे सकते हैं। साथ में देखिए फॉन्ट के साइज़ में आप चेंज कर सकते हैं, उसमें उसका शॉर्टकट क्या क्या आता है, जैसे अगर इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर Ctrl+, यहाँ पर ये वाला जो आपका ब्रैकेट है ये साइन को आपको प्रेस करना होता है। अगर आप यहाँ पर अगर न्यू टेक्स्ट के लिए जाते हैं तो ये सर इंक्रीज़ अगर टेक्स्ट करनी है तो यहाँ पर Ctrl+Shift+ आपका ग्रेटर देन वाला देना है। अगर डिक्रीज़ करना है तो फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं Ctrl+Shift+ decrease वाला ये साइन दे सकते हैं। ये वाला आपका Ctrl+, ये ओपन, ये आपका ब्रैकेट है ये आपको प्रेस करना है। अगर बोल्ड करना है उसका आपका जो शॉर्टकट की क्या है Ctrl+P, इटैलिक अगर करना है तो Ctrl+I, अगर अंडरलाइन करना है तो आपका इसका लिए क्या करना पड़ता है Ctrl+U। तो ये हो कि इसके शॉर्टकट्स की कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके बाद आता है आपका स्ट्राइक थ्रू, ये कैसे यूज़ करते हैं कि आपका क्रॉस स्टाइल नहीं होनी चाहिए, साथ में आपका सबस्क्रिप्ट अगर यूज़ करते हैं कि अगर किसी वर्ड के नीचे अगर लिखना है, जैसे आप एग्जांपल ये देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+Equal-to, Ctrl+Equal-to करने से आपका ये छोटा में आ जाएगा, ये जो नीचे आप देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट की, हो गया सबस्क्रिप्ट, और यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का क्या है, जबकि मतलब आपको ऊपर अगर लिखना है तो उसके लिए आप यहाँ पर Ctrl+Shift+++ अगर देंगे तो यहाँ पर आप जो आप ऊपर में देख रहे हैं 2, ये चीज़ आप वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में क्या होता है कि ये कहाँ पर यूज़ होता है कि कोई भी टेक्स्ट को अट्रैक्टिव करने के लिए या फिर उसमें इफेक्ट डालने के लिए। इसके बाद आता है टेक्स्ट हाईलाइट, जहाँ पर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, कि अगर मान लेते हैं ये कलर को अगर चेंज करना है या फिर येल्लो दे देते हैं तो ये हाईलाइटेड होता है। इसके बाद आता है फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर को मतलब आपका जो टेक्स्ट का कलर है उसको कैसे चेंज करते हैं। तो इसके बाद आता है आपका चेंज केस, कैसे केस को अगर चेंज करना है, अगर अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, सेंटेंस करना है, तो उसके लिए चेंज कैसे करते हैं, Shift+F3,
ये इसके शॉर्टकट की है। इसके बाद क्लियर अगर फॉर्मेटिंग करना है तो इसके लिए आपको फॉर्मेट आपको स्टाइल में जाना है, जहाँ पर आपको सिलेक्ट करके आपको रिमूव कर देना होता है। तो ये हो गया आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि आपका कैसे बुलेट कैसे यूज़ करते हैं। इसके अंदर आपको बुलेट आती है कि आप ये सारी आपकी बुलेट साइन में आती है कि आप बुलेट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नंबरिंग भी आती है कि आप नंबर दे सकते हैं, जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे नंबर में आती है। इसके बाद आती है आपका मल्टी लेवल लिस्ट आती है, जहाँ पर नंबर या फिर बुलेट लिस्ट यहाँ पर बहुत सारे आपका टाइप का दे सकते हैं कि वन वन बाई वन, या फिर वन के अंदर ए या फिर वन के अंदर बी, तो ये सारी चीज़ दे सकते हैं आपका। इसके बाद आता है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है आपका, जस्टिफाई करने के लिए लेफ्ट राइट लाइन इंडेंट, या फिर आपका ये जो राइट इंडेंट है या फिर लेफ्ट इंडेंट, कि इसको बढ़ाने के बाद हम लोग का जो लिखने का जो स्पेस है वो बढ़ जाता है, बीच वाला जो पोर्शन है वो बढ़ जाता है। तो ये हो गया आपका इंडेंट। तो इसके बाद ये तो हो गई इंडेंट की बात। इंडेंट में देखिएगा, अब आते हैं इंसर्ट। यहाँ पर आपका आता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि पैराग्राफ को आप बड़ा कर सकते हैं या फिर उसका जगह बढ़ा सकते हैं। आप इसके बाद आता है आपका हैंगिंग इंडेंट आता है, जहाँ पर कि आपका जो पोजीशन होता है और या फिर सेकंड और अदर लाइन जो होता है उस चीज़ को आप बढ़ा कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं पोजिशन को। इसका शॉर्टकट की क्या है, इसका शॉर्टकट की है Ctrl+T या फिर Ctrl+Shift+T। तो इसके बाद आता है आपका लेफ्ट इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट में आपका लेफ्ट साइड में आपका जो को पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड में स्विच कर जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, और राइट इंडेंट में आपका राइट साइड में चला जाएगा। इसके बाद आते हैं इंसर्ट मैन, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब कौन सा है, इंसर्ट टैब ये वाला है। इंसर्ट टैब के अंदर क्या क्या आता है, पेजेस आता है, टेबल आता है, पिक्चर आता है, क्लिप आर्ट आता है, शेप आता है, आपका ये ग्राफ आता है, लिंक्स आता है, हेडर फुटर आता है, तो इसके बाद पेज नंबर आता है, टेक्स्ट बॉक्स आता है, क्विक पार्ट आता है, या फिर वर्ड आर्ट आता है, सिंबल्स आता है, ये सारे चीज़, पेज ब्रेक्स आता है, ब्लैंक पेज आता है या फिर कवर पेज आता है, ये सारे चीज़ किसके अंदर आता है, इंसर्ट टैब के अंदर आता है। तो इंसर्ट टैब में ये सारी चीज़ आपको मिलती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि देखिए, जैसे यहाँ पर पिक्चर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर पिक्चर में आपको इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में आपको क्लिक करना है और आपको इंसर्ट करना है, और यहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे इंसर्ट होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं कि वर्ड आर्ट कैसे यूज़ करेंगे। देखिए आपको स्टाइलिश अगर कोई वर्ड आर्ट यूज़ करना है तो यहाँ पर देखिए वर्ड आर्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड आर्ट को कोई भी लोकेशन में जहाँ पर आपको यूज़ करना है। इसके बाद आते हैं आपका जैसे टेबल। टेबल में आपको कोई भी कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, आप उतने सिलेक्ट कर लिए तो उसके बाद आपको ओके कर देना है, तो यहाँ पर आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है जैसे आपका स्टाइल टेक्स्ट ग्रुप हो गया, जो कि आपका फॉर्मेट में आता है। यहाँ पर देखिए आपका, जैसे देखिए ए जो है इसमें आपका फॉर्मेट आता है कि कौन कौन से टाइप के आपको ABC लिखना है या फिर कैसे आपको लिखना है, आपको ऐसा स्टाइल में लिखना है, तो इस जगह से आपको मिलेगा कहाँ से फॉर्मेट में, ए के अंदर देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि पेज ग्रुप या फिर जैसे कवर पेज। बटन में कोई भी बटन को हम लोग जब यूज़ करते हैं, जैसे इंसर्ट या फिर प्री फॉर्मेटेड या फिर कवर पेज जैसे यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं, या फिर ब्लैंक पेजेस को आप या फिर न्यू पेजेस को, कोई भी अगर कहीं पर लिखा हुआ है आपको अगर ख़त्म हो गया तो आपको न्यू एक पेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर ब्लैंक पेज या फिर रह गया तो उस चीज़ को आपको फॉर्मेट करना है या फिर उसको हटाना है। अगर पेज ब्रेक अगर करना है कि अगर आप लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको इसको कैसे ब्रेक करेंगे। इसके बाद आती है टेबल को। टेबल ग्रुप क्या होता है कि आपका ग्रुप ऑफ टेबल कैसे आप यूज़ कर सकते हैं क्या, या फिर कैसे आप आपका जो टेबल है उस टेबल में कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इलस्ट्रेशन ग्रुप आता है, जहां पर आपकी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं या फिर डायलॉग बॉक्स, ये जो आप मैंने दिया है, जो कि इससे पहले की वर्ड प्रोसेसर की जो मैंने वीडियोज़ बनाई है उसमें मैंने ये सबको इन डेप्थ में मैंने बताई है कि कैसे इंसर्ट करते हैं पिक्चर, या फिर पेज ब्रेक कैसे करते हैं, या फिर कवर पेज कैसे करते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका ऑनलाइन पेजेस शेप्स कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कि शेप्स मतलब आपका जो रेडी आपका शेप्स, जैसे कि सर्कल हो गया या फिर आपका स्क्वायर्स हो गया, एरो हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सारे शेप्स जितने भी हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे, आपको सिलेक्ट करने के बाद कैसे आप लेके आएंगे, स्मार्ट आर्ट कैसे यूज़ करेंगे, या फिर स्मार्ट ग्राफिक्स जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सबको कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है आपका चार्ट्स हो गए, जहाँ पर कि आपका इंसर्ट या फिर बार या फिर एरिया, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सब आपको आपको लेना है, लेने के बाद आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्क्रीनशॉट, ये भी आपका पिक्चर के थ्रू ही आती है, जो आपका स्क्रीनशॉट होती है वो भी पिक्चर के थ्रू ही इंसर्ट हो सकती है यहाँ पर।
इसके बाद आता है माई एड ऑन, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक ऐसा है कि ऐप के थ्रू आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको वेब के थ्रू आप काम कर सकते हैं कि एक साथ आप दो डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। इसके बाद आप विकिपीडिया का एक्सेस कर सकते हैं आपको ऑफिस के थ्रू। इसके बाद आता है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो में आप यहाँ से आप कोई भी वीडियो को आप डाउनलोड करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं यूट्यूब से, या फिर कोई भी वीडियो को एम्बेड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। तो इसके बाद आती है आपका लिंक ग्रुप। लिंक ग्रुप में आपका यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर में क्या क्या आती है, जैसे कि आपका हो गया हाइपरलिंक, हो गया हाइपरलिंक के कैसे हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और साथ में हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बुकमार्क, आता है कि बुकमार्क कैसे करें। बुकमार्क मतलब आप स्पेसिफिक आपका डॉक्यूमेंट में कैसे आप बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हाइपरलिंक उसमें कैसे कर सकते हैं, या फिर आपका जो क्रॉस रेफरेंस है वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, साथ में आप कमेंट कैसे यूज़ कर सकते हैं ग्रुप में कि आप ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो ये इसके बाद आता है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर जो आप देख पा रहे हैं, हेडर मतलब जो आपका वर्ड प्रोसेसर के ऊपर में जो पार्ट रहती है वहाँ पर अगर आप हेडर में अगर कुछ लिखते हैं तो सारे पेजेस के हेडर में आपका वो टैगलाइन आ जाती है। अगर कोई कंपनी अगर अपना नाम लिखती है तो हेडर में लिखती है, इसलिए कि सारे आपके जितने भी वर्ड की डॉक्यूमेंट होती है वो सारे हेडर में वो कंपनी के नाम होती है, वो हो गया हेडर। या फिर फुटर होती है, फुटर में भी देखिएगा कंपनी की एड्रेस होती है या फिर लोकेशन होती है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके फुटर में दी हुई रहती है। साथ में आपका पेज नंबर क्या होता है कि इस पेज नंबर कि आपका जितने भी आपका फुटर दिए और हेडर फुटर की ग्रुप होती है या फिर सेक्शन होती है, उस सेक्शन में आप पेज नंबर देने से क्या होता है कि कोई भी नंबर आप फुटर में अगर मान लेते हैं कि पेज नंबर दे दिए, तो इससे 1 2 3 4 के वन बाई वन सीरियली आप उस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि और क्या हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग टेक्स्ट ग्रुप हम लोग यूज़ कर सकते हैं, क्विक पार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्ड आर्ट हो गया। वर्ड आर्ट में आप कोई भी डेटा को आप डेकोरेट कर सकते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट को आप डेकोरेट करके जैसे एक को स्टाइलिश बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पर ड्रॉप कैप हो गया, जो आप यहाँ पर कि आपका कैपिटल जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में होगा, जो पहला लेटर होगा। इसके बाद आता है ऐड आपका सिग्नेचर लाइन, यहाँ पर कि नीचे में आपका जो सिग्नेचर होता है, जैसे कोई भी अपना सिग्नेचर लग करते हैं तो डिजिटल एक सिग्नेचर होता है, तो वहाँ पर आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, तो यहाँ पर सिग्नेचर लाइन होती है तो वो डाल सकते हैं। साथ में इसके बाद आता है आपका डेट एंड टाइम, यहाँ पर हम लोग डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं कि जैसे आपका डेट एंड टाइम आप अपना जैसे वर्ड जो फाइल होती है, वर्ड फाइल में कोई भी हम लोग डॉक्यूमेंट जब लिखते हैं तो हम लोग डेट एंड टाइम हम लोग देते हैं, तो कंप्यूटर से या फिर हम लोग खुद से ही हम लोग डेट एंड टाइम वहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट जैसे कि हम लोग कोई भी एक्सेल पाई चार्ट हो गया, या फिर एक्सेल की चार्ट हो गया, या फिर कोई भी पिक्टोग्राफ हो गया, या फिर पाई ग्राफ हो गया, पाई हो गया, या फिर कोई भी या बार बार ग्राफ हो गया, ये सबको हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। साथ में इसके बाद आती है आपका सिंबल और ग्रुप, जहाँ पर इक्वेशन जो जहाँ पर इक्वेशन या फिर सिंबल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं साथ में ट्रेडमार्क के साथ अपने डॉक्यूमेंट में, कि हम लोग कौन कौन सा इसमें सिंबल यूज़ कर सकते हैं, क्या सिंबल यूज़ कर सकते हैं। सिंबल भी मैंने आपको दिखाया है कि पहले का वीडियो में कि सिंबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, या आपकी लास्ट वाले रिबन में होती है कि जहाँ पर आप सिंबल को इंसर्ट बटन के ही जो आपका राइट साइड कॉर्नर में ही आपकी होती है सिंबल की ऑप्शन। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। चलिए आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर देखिए, जैसे कोई भी मैंने वर्ड की जो डॉक्यूमेंट है वो कैसे लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर लेना है आपको। तो मैं यहाँ पर आपको बड़ा करके थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कैसे, इससे पहले ही मैंने आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि कैसे ये चीज़ करते हैं, और यहाँ पर क्या आप लोग को पता चले। जैसे कि देखिए यहाँ पर इंसर्ट है, यहाँ पर आप इंसर्ट देख रहे हैं, इंसर्ट में देखिए जैसे पेज बॉर्डर हो गया, वाटर मार्क हो गया, ये कैसे यूज़ करते हैं, वाटर मार्क कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप वाटर मार्क देख पा रहे हैं कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपका इंसर्ट में जाते हैं, अगर जाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या आती है, जैसे देखिए पेज आती है, पेज में आपका देखिए पेज कवर हो गया, पेज कवर में क्या क्या आती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि पेज कवर में क्या क्या आती है। इसके बाद आपका आता है क्या कि पेज कवर के अंदर आपका देखिए ब्लैंक पेज कैसे आता है, ब्लैंक पेज अगर करेंगे तो ब्लैंक पेज देखिए आपका ये एक्स्ट्रा एक और एक पेज आ गया, तो ये आपकी ब्लैंक पेज हो गई। इसके बाद आप जो ये देख पा रहे हैं ये आपकी पेज ब्रेक हो गई, कि पेज ब्रेक कैसे करते हैं कि देखिए पेज को ब्रेक करना है, देखिए आपका और एक पेज ब्रेक हो गया, तो आप देखिए आप यहाँ पर देखिए कि तीन पेज हो गया, जो पहले एक पेज था वहाँ पर तीन पेज हो गया, जैसे यहाँ पर 1 2 अगर लिख रहे हैं देखिए, आप अगर ये ऊपर वाला देख पा रहे हैं ये पहला पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है, तो देखिए यहाँ पर पेज ब्रेक करने के बाद तीन पेज हो गया, जो कि दो पेज था वहाँ पर।
तो यहाँ पर आप इंसर्ट के अंदर और क्या है, यहाँ पर टेबल है। जैसे टेबल अगर चाह रहे हैं कि यहाँ पर टेबल डालना, तो देखिए यहाँ पर टेबल डाल सकते हैं कि जितना भी चाहे यहाँ पर टेबल को डाल सकते हैं। ये किसके थ्रू हो रहा है? इंसर्ट के थ्रू। यहाँ पर पिक्चर अगर डालना है तो पिक्चर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर पिक्चर आपका आ रहा है, तो पिक्चर कोई भी यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे इसको लिए फिर इंसर्ट किए, देखिए यहाँ पर पिक्चर आ गया, इस टेबल के अंदर आ गया पिक्चर। तो ये होता है कि मतलब कैसे इंसर्ट करते हैं। साथ में इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन कैसे पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। सेफ हो गया कि मान लेते हैं मुझे अगर ये रेक्टेंगल अगर मुझे लेनी है, देखिए यहाँ पर मुझे, देखिए मैं यहाँ पर रेक्टेंगल ले लिया, तो रेक्टेंगल सेफ कैसे ले सकते हैं। इंसर्ट में आपका देखिए पाई चार्ट कैसे लेते हैं कि देखिए चार्ट यहाँ पर कोई भी चार्ट आपको लेना है, जैसे ये वाला आपका सेक्शन लेना है तो ओके करेंगे तो आपका आ जाएगा। आप यहाँ पर देखिए आपका पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ यहाँ पर आ गया कि कैसे आपको करना है। देखिए आप ये यहाँ पर ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। साथ में आपका देखिए और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं या फिर विकिपीडिया यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डाल सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं जो कि हाइपर लिंक हो गया, बुक मार्क हो गया या फिर क्रॉस आपका रेफरेंस हो गया। इसके बाद आता है आपका हेडर फुटर। हेडर फुटर में देखिए आपका ब्लैंक टाइप है, यहाँ पर आपको कुछ भी लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप ये जैसे यहाँ पर नाम दे दिए कि माई हेडर है, यहाँ पर दे दिए तो यहाँ पर सारा में आपका हेडर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर देखिए सब में आपका हेडर आ गया, तो इसे हेडर कहते हैं। तो ये हो गया हेडर। इसके बाद आते हैं आपका इंसर्ट में और क्या चीज़ें होती हैं। इसमें आपका फुटर होती है, तो मान लेते हैं इसमें आपका फुटर आपने दे दिया, तो फुटर में जैसे यहाँ पर एड्रेस आती है आपका, जैसे यहाँ देखिए एड्रेस आती है, एड्रेस में क्या लिख आपने दे दिया, यहाँ पर फुटर हो गया ये एड्रेस। यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपका एड्रेस आ गई है, तो आप यहाँ पर एड्रेस देख रहे हैं। तो ये सारे जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस में आप अपना पेजेस देख सकते हैं। साथ में अपना पेजेस सब में आपकी पेजेस इसमें दी हुई है। और इसके बाद आते हैं आपका जितने भी फुटर हो गया यहाँ पर हेडर हो गया, और साथ में मिलते हैं कि यहाँ पर इंसर्ट के अंदर में देखिएगा आपका वर्ड आर्ट है या फिर बॉक्स है, या फिर आप देखिए कि आप कौन कौन सा टेक्स्ट आपको यूज़ करना है वो टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। साथ में अपना जो सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो देखिए आपका इक्वेशन है या फिर सिंबल आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंबल यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ आपको समझ में आया है और मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, आई लव यू।